श्रीनिवास मूर्ति और उसके ड्राइवर वेंकटेश के साथ मिलकर ज्ञानेश्वर को किडनैप करकर उसे मारने की कोशिश की। किसी तरह ज्ञानेश्वर ने अपनी जान बचाई और नारायणपुरा पीएस पहुंचकर वहां के सीआई बी रविंदर को अपनी कंप्लेंट दी। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देवकंटी ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उसका शादी 2001 में सुनीतापुरी की एक औरत से हुआ था। शादी होने के बाद दोनों मिलके हमारे हैदराबाद लिमिट्स में मुख्यल बाग में रह गए। वो लोगों को एक बेटा एक बेटी पैदा हुआ। ज्ञानेश्वर एक टिफिन सेंटर में दोषिया मास्टर है और सुनीता और मेड सर्वेंट एक घरों में काम करते थे। शादी होने के बाद ज्ञानेश्वर को पीने का आदत हो गया। डेली पी के आके वाइफ को अरेस्टमेंट करना मारना होता था। इस सिलसिले में सुनीता एलएनटी कंपनी में सीट पर काम करता था। वही कंपनी ने श्रीनिवास से मुलाकात हुआ। जब भी इन अरेस्टमेंट का वाइफ से ज्ञानेश्वर अरेस्टमेंट करता था तो श्रीनिवास को हमेशा बोलते रहते थे। वो ऐसा दोनों के श्रीनिवास और सुनीता के बीच में दोनों क्लोज रिलेशनशिप हो गया और फिजिकल रिलेशनशिप भी उसी सिलसिले में हो गया। उसके बाद लास्ट सेवन्थ को ये महीने सेवन्थ को 11 बजे वो टाइम पे ज्ञानेश्वर घर में पी के आके उसको वाइफ को बहुत मारा। मारे तो उन्होंने इमीडिएट श्रीनिवास को इंटीमेशन दे दिया। श्रीनिवास की इंटीमेशन देते ही उसके पास वेंकटेश बोले एक ड्राइवर तो उसको ऑटो दे दिया, कैंप पर भिजा दिया। ये पी के जब ज्ञानेश्वर पी के था उसको उसका वाइफ स्लीपिंग टैबलेट्स एक पानी में मिला के देते उन अनकॉन्शियस हो गया था। उसके बाद ये ड्राइवर और ये उसका वाइफ दोनों मिलके उसको ऑटो में दर्द किए लेके गए यहाँ से मुख्य बाग से। जब ये लोग यहाँ से निकल गया था यहाँ उसके पहले ई सी एल के पास श्रीनिवास मूर्ति वहाँ पर एक कार रख के जल्दी वहाँ रेडी थे। ई सी एल के पास ऑटो से उतर के उसको कार में डाल के अंकिरेडीपल्ली विलेज की सरा मंडल के पास है वहाँ पर एक फॉरेस्ट में तो उसमें इमीडिएटली ज्ञानेश्वर को कॉन्शियस आया। उसको कुछ हो रहा बोल के चिल्ला लिया। चिल्लाते उसको चिल्लाना बंद करने के वास्ते श्रीनिवास उसके ऊपर स्प्रे मारे। स्प्रे मारते ही उसको ज्ञानेश्वर उसका हाथ काटे श्रीनिवास को उंगली काट के वहाँ से कार में से कूद जाके वहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद ज्ञानेश्वर सुबह आके नारायणपुरा पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट करें। हम लोग उसके कंप्लेंट में केस रजिस्टर करके जो कुछ भी सस्पेक्ट से हम उन लोगों को ले लेंगे और इंक्वायरी करें तो वो लोग ये कन्फेशन जो ऑफेंस का वो लोग कन्फेस कर लेंगे। हम लोग कस्टडी में ले लेंगे और फर्दर इंक्वायरी के वास्ते पुलिस कस्टडी में लेके इंक्वायरी करेंगे। प्रॉपर्टी एक कार ऑटो एक सैरी ब्लैंकेट 4 सेलफोन्स और एक कपड़ा हाथ बांधने का जो कपड़ा वो सीज कर। సైదు వచ్చిడా తొందర ఫోన్ చేద్దాం। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा कादरी एनआरक्यू 24 न्यूज़ से इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाती रहूंगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज़ का। मेरे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।